सबसे पते की बात एंड में बोली है, जो आपके फायदे की, आप दोस्तों के बेनिफिट के लिए मैं एक छोटा सा आपको हेल्प कर सकती हूँ। Hi guys and welcome back to my channel. A very good afternoon once again and love is in the air. Happy Valentine's Day to all of you. आप सब enjoy कर रहे हैं ना? आज दिन भी अच्छा है और मूड भी अच्छा है। मूड क्यों अच्छा है? वैलेंटाइन्स डे के लिए नहीं, उसके लिए तो बहुत उम्र हो गई। तो आज मूड इसलिए अच्छा है कि मैं कर रही हूँ पैकिंग, बाद में दिखाऊंगी। मैं कर रही हूँ पैकिंग और कहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ ये नहीं बताऊंगी। और कुछ दिन ब्लॉग शायद बंद रहे, पता नहीं मुझे। मूड होगा तो दूंगी, नहीं होगा तो नहीं। कुछ शूट कर पाई तो दूंगी, एक्चुअली बहुत बिजी हूँ मैं, कर पाई तो दूंगी, नहीं तो नहीं। मैं कुछ जरूरी काम के लिए जा रही हूँ एक्चुअली। खैर, मैं आज बैठी हूँ ये ब्लॉग बनाने के लिए, पता है क्यों? एक्चुअली मैं इतने सारे जो सॉन्ग्स वाले वीडियोस डालती हूँ ना, आप लोग आकर मुझे बोलते हैं मेरे वीडियो ऐसे कम लोग देखते हैं, लेकिन जो भी देखते हैं मेजोरिटी ऑफ देम, 95% ऑफ देम, वो आकर मुझसे पूछते हैं कि आप सॉन्ग्स डालती हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको कॉपीराइट क्लेम आता है कि नहीं आता है। तो और दूसरे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको वन बाय वन आंसर करती हूँ जो पूछते। 95% ऑफ देम कम एंड आस्क मी दिस क्वेश्चन। तो मैं बताती हूँ, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, एकदम छोटी सी एकदम नई यूट्यूबर हूँ, लेकिन मुझे ये गाने डालना अच्छा लगता है। एक चीज मैं बता दूँ सबसे पहले कि जो वीडियो रहता है उस गाने में, गाना तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन जो वीडियो रहता है वो हमेशा मेरा खुद का रहता है, या मैं खुद रहती हूँ उसमें मॉडलिंग करते हुए, या फिर मेरी शूट किए हुए वीडियोस है, ओरिजिनल वीडियोस। तो ये दो चीजें माइंड में रखिएगा, वीडियोस मेरे खुद के हैं और गाने मैं सर्च देती हूँ कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स, वेरी सिंपल कॉपीराइट फ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स, इस तरह का मैं देती हूँ। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अगर आप YT पे YouTube पर सर्च दें। तो जब ये ऑप्शंस आए आपके पास, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल हूँ, मुझे इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन आता नहीं है। आप दो तरह से कर सकते हैं कॉपीराइट फ्री। पहले तो सबसे पहले कुछ करने से पहले उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें कि उन्होंने क्या बोला है, क्रेडिट मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। मांगते हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको क्रेडिट दीजिए, अगर नहीं मांगते हैं तो देने की जरूरत नहीं है। तो अब रहा कि मैं क्या करती हूँ, आप ऐसे वीडियोस को क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इनका म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके वहां से मैं उनका वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ सिंपल, और मेरे शूट किए हुए या मेरे खुद के वीडियोस में उन गाने को डाल देती हूँ। नहीं, मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं आते हैं। एक तो मेरा मोनेटाइज चैनल है, मुझे कॉपीराइट क्लेम आएगा तो मुझे बहुत मुश्किल होगी, तो मैं ऑफ कोर्स अवॉइड करती हूँ। ये था पहला। अब इसके बाद मैं क्या टिप्स ट्रिक्स यूज करती हूँ वो बताती हूँ मैं आपको, कि अक्सर हम क्या करते थे ना, जब YouTube में हम नए नए आए थे तो वीडियो हम क्या करते थे कि बनाया, अपलोड कर दिया, ठीक है, वो पब्लिक हो गई और लग गया उस पर क्लेम। फिर आप क्या करें, हटाएं, रिमूव करें, तब तक 10 कमेंट पड़ जाते हैं, मन भी खराब हो जाता है, रिमूव करें नहीं करें। तो अब मैं क्या करती हूँ कि वीडियोस को प्राइवेटली अपलोड करती हूँ पहले। अगर कॉपीराइट क्लेम, आप भी कर सकते हैं ये चीज, कोई भी कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि मेरा मोनेटाइज चैनल है बोल के मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। मैं जस्ट आपको टिप्स दे रही हूँ, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो करती हूँ वो आपको बताती हूँ। तो मैं उसको प्राइवेटली अपलोड करती हूँ और वेट करती हूँ, देखती हूँ कि उस पे कॉपीराइट क्लेम आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है सब कुछ करने के बाद भी, तो वो फ्री है, बाद में मैं उसे पब्लिक करके रिलीज कर देती हूँ वीडियो को। ऐसा आप कर सकते हैं। तो इससे अगर कॉपीराइट क्लेम आए तो प्राइवेट सिचुएशन में ही आप वीडियो को हटा लीजिए, अगर आए तो। मुझे नहीं आते क्योंकि मैं ऐसे गाने यूज नहीं करती हूँ। हाँ, और रहा ये एक ट्रिक रहा, टिप आपके लिए, आप ऐसा कर सकते हैं। अब रहा कि हम ढूंढे कहाँ, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि ढूंढे कहाँ, तो ढूंढेंगे आप YT में ही, मैं भी वहीं से ही लाती हूँ, YouTube से ही लाती हूँ, ढूंढिए वहीं से, ढूंढ कर वहीं से यूज करिए। फिर भी आपको कॉपीराइट क्लेम अगर फ्री लिखा है तो नहीं आएगा, क्रेडिट मांगते हैं तो डेफिनेट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रेडिट दीजिए। लेकिन मैं मेजॉरिटी ऐसे गाने यूज करती हूँ जहाँ क्रेडिट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रहा आप दोस्तों के बेनिफिट के लिए, मैं एक छोटा सा आपको हेल्प कर सकती हूँ। मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैं जो वीडियोस में गाने डालती हूँ,
अगर आप उन्हें लेना चाहे तो ले लीजिए मेरे वीडियो से, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके लीजिएगा। अगर मैंने जिस एक्चुअल ओनर को क्रेडिट दिया है तो आप भी देंगे, हाँ उसी तरह उसी वे से आप भी क्रेडिट दे दें। और अगर देखेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस गाने के लिए मैंने क्रेडिट नहीं दिया है तो आपको भी जरूरत नहीं है देने के लिए। तो कई लोगों ने मुझे पूछा है कि हम कहां से लाएं, नहीं मिलता है। तो अगर मेरे वीडियोस में इतने सारे गाने रहते हैं, कोई अच्छा लगे आराम से ले लीजिए, मैं कोई क्लेम कोई स्ट्राइक नहीं भेजूंगी। भेजूंगी कहां से, आता ही नहीं है भेजना। इसलिए भेज भी नहीं सकती आपको। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी आपको हेल्प है, ले सकते हैं आप ये गाने, यूज कर सकते, लेकिन विद प्रॉपर क्रेडिट। मांगा है तो प्लीज दीजिए, नहीं तो गलत है, क्योंकि एक एक ये जो कॉपीराइट फ्री गाने हैं ना, ये बनाना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत लेबोरियस है इन गानों को बनाना, टाइम लगता है इनको करने में। तो जो भी बना रहे हैं, अगर वो क्रेडिट मांगते हैं तो प्लीज उन्हें क्रेडिट दे। तो ये रहा मेरा आपको, एक्चुअली बहुत सारे मुझे फ्रेंड्स बहुत 95% मुझसे ये पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले एक बार आपको ये बात बताकर जाती हूँ कि इसी तरह मैं यूज करती हूँ ये सॉन्ग्स को अपने वीडियोस में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए मेरे साथ मेरे सफर में। और मिलूंगी मैं फिर किसी ब्लॉग में, किसी और सिचुएशन और किस्से कहानी या और किसी मजेदार इंसिडेंट के साथ, तो तब तक या फिर ऐसे गपशप के साथ, तब तक नहीं स्टे होम तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मैं खुद जा रही हूँ। टेक केयर, बी हैप्पी एंड विद अ स्माइल लिव योर लाइफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इन सम अदर ब्लॉग, टिल देन बाय।